दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी जो है हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं, जिसका नाम है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप जो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई जो है हम आपको करते हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, AMD 1/2019 जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पर बात किया जाए कि कौन कौन सी पोस्ट के वैकेंसीज आ रखी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट नाम की सबसे पहले बात करते हैं, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, टेक्नीशियन बी के लिए, देन यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए, UDC अपर डिवीजन क्लर्क और ड्राइवर के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकल रखी हैं दोस्तों। हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर एग्जामिनेशन पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, देन साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, देन टेक्नीशियंस के लिए, देन UDC के पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी कितना दिया जाएगा। तो 35,400 जो है यहाँ पे सैलरी रहेगा लेवल सिक्स का। बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है आपका 10 रखा गया है। देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो है ड्रिलिंग के लिए जो है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और ड्रिलिंग के कैंडिडेट डिप्लोमा वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों, यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, जनरल्स के लिए 30 साल रखी गई है, अगर आप OBC हैं तो 33 साल, SC ST है तो 35 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। इसी तरह बी की बात की जाए, यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे BSc विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। 60% जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जितनी वैकेंसी है सब में जो है 60% जो है रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, यहाँ पे 30 साल रखी गई है जनरल्स के लिए। तो यहाँ पे जो है एक ही पोस्ट है जो जनरल्स के लिए है, ऊपर वाली पोस्ट में जो है 10 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वेयर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट सर्वेयर पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है और यहाँ पे OBC की 33 साल एज लिमिट है और 30 साल जो है EWS कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे भी सैलरी सेम रखा गया है दोस्तों। मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे डिप्लोमा जो है रिक्वायरमेंट है, अगर आपने लेटरल एंट्री डिप्लोमा कर रखा है तो भी जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा मेंशन है। 60% जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगली वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल की है, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 60% रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी जो है 2 सीट है। देन दोस्तों, अब बात करते हैं अगली पोस्ट टेक्नीशियन बी के लिए। तो देखिए टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे क्या कौन कौन से रखा गया है। तो यहाँ पे जो है 10th में आपके जो है 60% होना चाहिए, या फिर जो आपके हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें जो है साइंस और मैथ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए। ITI जो है आपके किस ट्रेड में होना चाहिए तो ये भी जान लीजिए। ये जो है ITI आपका यहाँ पे मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स ट्रेड में जो है आपके यहाँ पे, देन ऑटोमोबाइल ट्रेड में जो है ITI यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 25 साल रखी है जनरल्स के लिए, 28 साल जो है OBC के लिए। यहाँ पे जो है टोटल वैकेंसीज जो है 14 है। देन दोस्तों, यहाँ पे अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल के लिए जो है सैलरी रखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 सीट है इनके लिए और यहाँ पे भी जो है ITI के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 25 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे बेसिक पे जो है यहाँ पे 21,700 है, अगर ये सैलरी की बात की जाए तो आपकी 28,000 पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पे बनती है दोस्तों। देन दोस्तों, बात किया जाए अगली पोस्ट, अगली पोस्ट जो हमारे पास स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए है, जहाँ पे 3 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए और जो मिनिमम स्पीड है वो आपका शॉर्ट हैंड की 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए दोस्तों, तो अपर डिवीजन क्लर्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्री, कोई भी डिग्री के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 27 साल जो है एज लिमिट रखी गई है दोस्तों, और
जो ओबीसी के लिए 30 साल जो यहाँ पे रखा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, उससे पहले थोड़ा सा हम ड्राइवर पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 10th पास मांग रखा है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग रखा है अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 30 सीट जो है इनके लिए रखा गया है। सैलरी जो है यहाँ पे 1900, तो यहाँ पे अगर आप सैलरी की बात करें तो 25,000 पर मंथ जो है यहाँ पे सैलरी बनती है इनकी इन हैंड। देन दोस्तों अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार का होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करने से पहले थोड़ा एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक जो असिस्टेंट हैं उनके लिए 150 रुपये का फॉर्म रखा गया है, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपये का फॉर्म, स्टेनोग्राफर के लिए 100 रुपये का फॉर्म, UDC के लिए 100 रुपये का फॉर्म और ड्राइवर के लिए 100 रुपये का फॉर्म यहाँ रखा गया है। और जो कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन है वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं रखा गया है। दोस्तों अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले साइंटिफिक असिस्टेंट सी और बी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट होगा जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, देन इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा इंटरव्यू जो है आपका मेन है, किस प्रकार का एग्जामिनेशन पैटर्न होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आने वाले दिनों में जो है इसकी वीडियोज लेके आएंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस जो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए रखा गया है। अब दोस्तों बात किया जाए टेक्नीशियन बी के लिए, तो टेक्नीशियन बी का जो पेपर होगा दोस्तों दो लेवल का होता है। इसमें पहला लेवल जो है आपका प्री होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का ये पेपर होता है, 20 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से, 20 क्वेश्चन जो है साइंस से। साइंस के क्वेश्चन जो है आपको हमारे जो अपलोड किए गए वीडियो है जहाँ पर जनरल साइंस की वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं वहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है इस वैकेंसीज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन वीडियो को जरूर देखें अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। देन ये जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, ये आपका पहला स्टेज जो है क्वालिफाइंग होता है। मेन जो है आपका स्टेज 2 है, तो स्टेज 2 जो है दोस्तों इसमें जो है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो है, या फिर अगर आपने ITI कर रखा है, अगर ITI ट्रेड है जैसे यहाँ पे ITI ट्रेड की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो ITI ट्रेड है तो ITI जो ट्रेड है यहाँ जैसे कि ITI ट्रेड से जो है क्वेश्चंस बनेंगे आपके सेकंड स्टेज में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन होगा, देन अगर आप ये इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे 50 रहेंगे क्वेश्चंस, और ये जो पेपर होगा दोस्तों इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, जितने ज़्यादा मार्क्स आप लेके आएंगे आपको उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे यहाँ पे सिलेक्शन होने के। देन दोस्तों अगर आप सेकंड स्टेज पार करते हैं तो आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग हमने अपने चैनल में वीडियोस भी अपलोड कर रखा है जो इस वीडियो के लिए इस वैकेंसीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वो देखना ना भूलें, उसे ज़रूर देखें आप। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पे देखिए लेवल 1 का जो पेपर रहेगा उसमें जनरल इंग्लिश नॉलेज रीजनिंग और अर्थमेटिक मैथ्स जो है पूछी जाएगी। देन सेकेंड स्टेज जो है आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। देन दोस्तों UDC की बात करते हैं, UDC के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे देखिए पहला जो है टेस्ट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेन जो टेस्ट है आपका ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होता है ये आपका मेन है, इसके बेसिस पे ही जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो इससे अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये जो चीज़ है UDC के लिए आपको सेकेंड स्टेज में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ड्राइविंग पोस्ट के लिए बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे लेवल 1 भी जो है आपका देख रहे हैं जनरल नॉलेज जनरल इंग्लिश अर्थमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट जो है आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। स्टेज 2 जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है, तो ड्राइविंग टेस्ट जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो लेवल 1 के बेसिस पे जो है सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों होगा। दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए ये फॉर्म जो है 21 दिसंबर से जो है फॉर्म स्टार्ट होगा, 10 जनवरी 2020 से जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों। देन यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो आप जो है ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक बहुत सारे दिए गए हैं जहाँ दोस्तों हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अभी हाल में हमने BRC की वैकेंसीज बता रखी हैं, साथ ही साथ हमने जो है इंडियन ऑयल की वैकेंसीज बता रखी है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज जो है हमने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है, ONGC की वैकेंसी बता रखी है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज के साथ हमने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वीडियोज़ देखना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको कोई डाउट्स हैं कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके रिगार्डिंग हम जो है फर्दर वर्क करें तो आप जो है जितना हो सके उतना जो है फ्रेंड्स में शेयर करें और हमें कमेंट्स करें कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे वर्क करते हैं, और आपके लाइक और शेयर से जो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ जो है नया चीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लोगों को प्रोवाइड करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना आप जो है वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि ये चैनल में आपको ये सारी सुविधाएं जो है मिलती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है मिलता है।
तो इसी के साथ जो है वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है और आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जनरल साइंस के वीडियोस जो है हमने अपने चैनल में बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और बहुत से एग्ज़ाम की डेट जो है ख़त्म होने वाली है, तो ये सब वैकेंसीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन दिख रहा होगा वहाँ से जो है आपको मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।